शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदस्मिद्दये सत्यम वदामि च भवान खिलातरात्मा भक्तिं च रघुपुंगवम विने निर्वाम में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुंदरकांड के हमने पहले ही श्लोक को जो है आपके समक्ष जो है रख दिया है कि सभी भक्तों से हम तो यही बोलेंगे कि जबरदस्ती नहीं है कि आप जो है डेली ही करें या मंगलवार को ही करें, लेकिन महीने में हर मास के किसी भी शुक्ल पक्ष के एक मंगलवार, किसी भी शुक्ल पक्ष का, किसी भी शुक्ल पक्ष हाँ, एक मंगलवार को हनुमान जी का समय निकाल के दो घंटा का एक दिन समय अवश्य निकालें, सुंदरकांड का पाठ करें, एक बार सुंदरकांड का पाठ करिए। आपके जीवन में कभी कोई राहु केतु या कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपके जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रह के बल को शक्तिहीन कर देंगे भगवान जी। हाँ, उनके शक्तियों को काट देंगे। तो ग्रह तो हर व्यक्तियों के ऊपर में आता है, आप पे भी आएगा, हम पे भी है, क्योंकि नवग्रहों का संचार है पूरे पृथ्वी पे। लेकिन जब वो आते हैं तो उनका अगर हमारे ऊपर में प्रभाव ज्यादा होता है तो हमें नुकसान होता, मतलब ग्रहों को अनुकूल कर देंगे। हाँ, ग्रहों को अनुकूल कर देंगे आपके प्रति, उनका शक्ति को जो है वो नष्ट कर देंगे। हाँ, तो बस प्रभु हनुमान जी की भक्ति करिए और सुंदर कांड का पाठ एक बार जरूर करें। और हम हनुमान चालीसा के लिए तो बोलेंगे प्रतिदिन 5 मिनट का काम है वो ले लीजिए। सुंदर कांड तो बहुत फलदायी है। सन टावर में आज से 8 वर्ष पूर्व की बात है, एक अंकल जी थे, उनके यहाँ पे पाइप लगा हुआ था। अच्छा। पूरा सैया पे पड़े हुए थे, पाइप लगा हुआ था उनको और परिस्थिति बहुत ही उनका खराब हो गया था, बहुत ही खराब। तो अपने बिस्तर पे पड़े रहते थे, सब कुछ लगा था। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, तो हमने बोला कि आप जो है सुंदरकांड का पाठ नहीं, हम एक सुंदरकांड और कर रहे थे कहीं, तो उन्होंने हमको मिल करके, उन्होंने उनकी पत्नी मिली हमसे, तो बोले कि पंडित जी किधर जाते हैं आप डेली। हमने बोला ऐसे ऐसे सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं। तो बोले अच्छा पंडित जी, हमें भी सुंदरकांड का पाठ करवाना है, तो आप बता दीजिए किस दिन। तो हमने उनको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से बोले इस दिन से आप स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा दिन बताया हमने। तो उस दिन से स्टार्ट किया उन्होंने, 40 41 एक उन्होंने बोला 40 हमको करना है। हमने बोला नहीं 40 नहीं करिए, 41 है, 41 है, 41 मंगल 41 जो है दिन प्रतिदिन सुंदरकांड का आपके यहाँ पाठ होगा, अंकल जी आपके हनुमान जी कृपा से स्वस्थ हो जाए। तो हुआ ऐसे कि हमने शुरुआत तो कर दिया, अब डेली जाते थे उनके यहाँ पाठ करते थे, वो भी हमको भोजन वोजन सब खिला देते थे। तो हम पाठ करने के बाद, भोजन करने के बाद अपने घर आ जाते थे दोपहर के टाइम में, हनुमान जी का जो है कपाट बंद करके फिर वहाँ पे हम पहुँच जाते थे, पाठ कर देते थे और उसके बाद जो है भोजन करने के बाद फिर अपने। करीब करीब 40 दिन बीत गया, 41वां दिन था, 41वां दिन हमने जो है ध्यान दिए नहीं, अंकल जी थे नहीं घर में, हमने सोचा दूसरे कमरे में लेटे होंगे। 41वां दिन पूजा हुआ, हवन हुआ, समाप्ति हो गया, दक्षिणा हमें मिल गया वहाँ से। उसके बाद हम वहाँ से निकले अपने घर, भोजन करने के बाद अपने घर निकले। घर निकलने के बाद शाम को हम मंदिर पे आए और कुर्सी पे बैठे हुए थे, पहले इधर कुर्सी लगाते थे हम, यहाँ बैठ करके अपना भगवान जी के ध्यान में थे कि प्रभु, लोग अपने अपने ध्यान में निकलता है व्यक्ति, शाम के टाइम में आरती का तैयारी व्यारी हो रहा था, हम बैठे हुए थे। तो इतने में जो है वो अंकल जी आ गए, अब वो हमारी तरफ देख करके बोलते हैं पंडित जी राम राम। तो हमें ऐसा लगा कि हमने इनको कहीं देखा है, ये कौन है। तो उन्होंने बोला हमको पहचाने, तो हम बोले कि आपको तो हम मुंह से तो हमको उनको पहचान गए थे, इसलिए हम बोले हम पहचान गए, लेकिन हमारे मन में शंका हो रहा था कि इनको तो हम देखे थे बिस्तर पे लेटे हुए, तो ये इतना जल्दी कैसे ठीक हो गए। अभी तो आज संपन्न ही हुआ है और क्या बोलते हैं
आंटी जी बता रही थी कि सुधार तो उनको हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी ये स्वास्थ्य होकर के चलते चलते अकेले कैसे चले आए और इस व्यस्त सड़क को पार करके? हाँ, तो सड़क को पार करके तो हम उनको बोले कि ठीक है, दो मिनट आप हमारे कुर्सी पे बैठिए, हम बस अभी दो मिनट का हमारा काम है, बस हम उसको निपटा के आते हैं। बोले कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। तो कश्मीर के हैं वो, तो वो जो है बैठ गए हमारे कुर्सी पे। हमने उस वक्त हम साइकिल चलाते थे, अपने साइकिल पे बैठे और तुरंत सन टावर पहुंचे। अच्छा, उस अपार्टमेंट में पहुंच गए? हाँ, उस अपार्टमेंट में चेक करने के लिए। हाँ, ये वही में है, हाँ, याद नहीं आ रहा हमें। अच्छा, सीधा पहुंच गए। अब समझिए, वॉचमैन भी वहाँ हमारा एंट्री नहीं करता था, क्योंकि 40 दिन से उनके यहाँ जा रहे थे ना, तो अब एंट्री करना बंद कर दिया। सीधा गए, सीधा बटन दबाए, गेट खुला, बोले पंडित जी राम राम। आंटी जी ने बोला, हमने बोला राम राम। अंकल जी कहाँ है, हमको अंकल जी को दिखाइए। आज अंकल जी का जुड़वा भाई हमारे मंदिर पे है। तो बोले अंकल जी तो आज शाम को ही निकल गए कि जाते हैं पंडित जी का दर्शन करके आते हैं, कि पंडित जी ने डेली आते थे तो हमको मुंह में प्रसाद दो दाना डाल देते थे। तो मैं बोला अच्छा, नहीं फिर भी हमको बिस्तर दिखाइए। सब घर का उनका बिस्तर हमने चेक कर लिया, कहीं अंकल जी सोए तो नहीं है। जब पूरा घर का बिस्तर देख लिया, तब हम वहाँ से फिर साइकिल लिए, फिर यहाँ आए। फिर हम बोले अंकल जी हम आपको पहचान गए। बोले पहचान गए? तो जो अपने अपने तरफ से उन्होंने कुछ दक्षिणा लाया था, उनको हमको मुट्ठी बांध के दिया। बोला पंडित जी इसको आप रख लीजिए। हमने बोला महाराज हमको तो दक्षिणा मिल गया था वहाँ। बोले नहीं, वो उन सब के तरफ से था, हमारे तरफ हमको जो दो दाना मिश्री आप डेली मुँह में डाल देते थे उनका हमने नहीं दिया आपको कुछ। तो उन्होंने दिया, हमने रखा। तो उस दिन जो है बजरंगबली जो है साक्षात कृपा बरसा दिया। उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति को यहाँ पे रॉयल टावर के एक भक्त हैं, उनको जॉब नहीं लग रहा था, तो आए बाबा के पास कि पंडित जी हमें जॉब नहीं लग रहा है। तो बाबा ने बोला कि कुछ मत करिए, बजरंगबली का नाम लीजिए खाली, इनका नाम लेंगे तो आपका जो है जॉब अवश्य लग जाएगा। बस हुआ ऐसे कि उनका उन्होंने नाम लिया और जो बता दिए, 10-12 दिन के बाद वो आए, बोले पंडित जी नहीं लग रहा है। बाबा बोले नहीं लग रहा है तो मन में श्रद्धा नहीं रखे हो तुम, सोच रहे हो बस जॉब लगने के बहाने जॉब लग जाए फिर उसके बाद छोड़ देंगे बजरंगबली को। मन से डटते रहो, जरूर लगेगा। जब हम पे कृपा हो गया, हम 8 साल भटके बजरंगबली करके, तब हमें यह मिला। तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? बोले अच्छा पंडित जी चलिए ठीक है। अब उन्होंने भक्ति स्टार्ट कर दिया अपने घर पे। तीसरे दिन ही उनका एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास होकर के उनका जॉब लग गया। अच्छा, फिर वो आए पंडित जी खुश होकर के, बाबा हमको जॉब लग गया। बाबा ने बोला कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, इससे भी बहुत बढ़िया जॉब लगेगा बजरंग बली का जाप करते रहना। बस उन्होंने जाप किया और करीब 6 महीने के 7 महीने के बाद उनको वो फिर आए कि बाबा हमको एक और बढ़िया जॉब लग गया, इससे भी अच्छा। तो बाबा बोले ठीक है, आप तो खुश हो ना? हाँ बाबा आप खुश हैं बिल्कुल। बोले ठीक है आप जाओ। बाबा क्या लोगे दक्षिणा? बाबा बोले कि जो मन में हो दे दो, मांगेंगे तो तुम्हारा वो जो हम तुमको शिक्षा दिए हैं वो विफल हो जाएगा। बाबा का कहना है कि हम किसी को कोई मंत्र देते हैं, बजरंगबली का नाम का सहारा ही देते हैं, तो हम बहुत बड़े तो ज्ञानी नहीं हैं, इतने बड़े तो नहीं हैं जो हम बोलेंगे तथास्तु तो पूरा हो जाएगा, तो हो तो जाएगा इनके ही कृपा से। तो उस चीज का जो है मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने मोल ले लिया तो वो चीज समझिए आपका व्यर्थ हो गया, फिर वो असर नहीं करेगा। अब देखिए, बिना मोल लिए पेट भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे घर में भी बाबा के भी हम पोते हैं, जीवन यापन परपोती है, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, सब पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं स्कूल में। तो जो मन से अगर दे दे तो ले भी लीजिए, उसको मना नहीं है। लेकिन किसी से मांगना वो अच्छी बात नहीं है। उनका कहना है कि किसी के यहाँ आप जाइए पूजा करने के लिए, तो आपने ड्यूटी निभाया वहाँ, तो आप वहाँ मांग सकते हैं कि जजमान जी हमने 40 दिन आपके यहाँ ये किया तो हमें इतना दक्षिणा हमें दे दी, क्योंकि हम उनके यहाँ ड्यूटी। अब यहाँ कोई आया तो वहाँ 1 रुपया दे, चाहे 100 दे, चाहे 500 दे, चाहे 10 रुपया दे, यहाँ हम नहीं मांग सकते, क्योंकि दरबार इच्छा जो दे। हाँ, हमें यहाँ ये है कि जो प्रसाद आएगा उस प्रसाद में से हम सबको
मिश्री वितरित करते ही हैं। तो ये हमारा डिब्बा है मिश्री का, आज तक हमें ये डिब्बा में से कभी मिश्री खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये भरा ही रहता है? ये भरा ही रहता है। समझिए, अब तो फिलहाल इसमें से थोड़ा सा हम अभी इसमें डालना थोड़ा बंद कर दिए हैं, पैकेट रखा हुआ है, लोग व्यक्ति पैकेट दे के जाते हैं, थोड़ा सा डिब्बा एक बार खाली हो जाएगा, थोड़ा फिर मिश्री स्वच्छ मिश्री रख देंगे, थोड़ा सा उसका धूल मिट्टी नीचे जमा हो जाता है मिश्री का, तो इसके वजह से थोड़ा सा हम इसको वो कर रहे हैं, एक दिन सफाई थोड़ा सा हो जाएगा, सफाई करके फिर सब डाल। पंडित जी आप ही बता रहे हैं कि थोड़ा इस तरफ आ जाए कि सुंदरकांड की इतनी महिमा है, सुंदरकांड से जीवन में आप जो कुछ भी चाहें, जिसको कि हनुमान चालीसा में कहा गया, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, जी वो सब पा सकता है। हाँ, सब पा सकता है। सुंदरकांड बहुत ही प्रभावशाली चरित्र है भगवान का, जी जी, क्योंकि इसमें प्रभु ने हनुमान जी ने माता सीता की खोज लगाया था। क्योंकि देखिए, व्यक्ति किसी पे कोई ना कोई निर्भर होता है। हनुमान जी एक बार रामचंद्र जी से बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम बन जाता है। तो राम जी ने बोला कि हनुमान जी हमको तो लग रहा है कि तुम्हारी कृपा से मेरा सब काम बनता है, तुम नहीं होते तो हमारा तो बहुत सारा संकट था, तो तुम ही संकट मोचन हो जो हमारे संकट को तुमने दूर किया। तो इसलिए जो है प्रभु हनुमान जी का नाम संकट मोचन रखा गया। जी 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 जी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जबकि प्रभु तो प्रभु है, स्वयं इस त्रिलोकी के स्वामी जो प्रभु हैं, वो मानव रूप में अवतार ले चुके हैं धरती पे, और उनका जो है संकट हनुमान जी अपने से दूर कर रहे हैं। हाँ, और भगवान शिव जी राम का इतना बड़ा काम हनुमान जी ने किया। हाँ, क्योंकि सीता का खोज। हाँ, इसमें भी एक कहानी है कि जब नारद जी पहुँचे नारायण नारायण करते नारद विष्णु भगवान के पास, तो उन्होंने बोला विष्णु भगवान को कि प्रभु आप हमेशा ध्यान में रहते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? तो नारायण भगवान ने बोला कि देखो हम तो सदा शिव की पूजा करते हैं, शिव जी जो हैं तो वही ध्यान में रहते हैं। हाँ, शिव जी के ही ध्यान में हम रहते हैं, शिव जी हमारे इष्ट देव हैं, प्रभु हैं मेरे। तो नारद जी बताने के लिए खुशी में गए शिव जी को कि हम तो नारायण नारायण करते हैं लेकिन हमारे नारायण जी आपके ध्यान में रहते हैं। तो वहाँ गए तो उनको इंतजार करना पड़ा क्योंकि शिव जी खुद तपस्या में थे। तो उन्होंने बोला प्रभु कि ये बताओ कि आप किसके ध्यान में हैं, क्योंकि विष्णु भगवान तो हमको बोल दिए कि हम तो शिव जी के ध्यान में हैं। तो शिव जी ने बोला कि हम प्रभु राम के ध्यान में हैं। तो बोले राम कौन है? क्योंकि राम जी का जन्म उस टाइम में नहीं हुआ था, त्रेता युग से पहले सतयुग की बात है वो। बोले जब समय आएगा तो हम खुद सेवा के लिए राम जी के लिए जाएंगे, तब पता चल जाएगा तुम्हें और सारे संसार को कि राम जी कौन है। हम अभी तपस्या कर रहे हैं उनका अवतार होने के लिए, कि जब तपस्या करेंगे तभी तो प्रभु दर्शन देंगे, अवतार लेंगे। तो हम उसके बाद भगवान शिव ने रुद्रावतार हनुमान जी लिए, 11वें अवतार हैं उनके, उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण किया। सबसे सर्वप्रथम बचपन में प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए गए थे, तो उस टाइम में रामचंद्र जी ने बचपन में ही उनको बोल दिया कि अभी जाइए अपने माता पिता का सेवा करिए, क्योंकि इस टाइम जो है जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्रों के प्रति स्नेह रखता है कि मेरा पुत्र ये बने वो बने पढ़ाई लिखाई करे इस प्रकार से, तो अभी आप वहीं चले जाइए अपने माता पिता के पास, अभी आपका समय नहीं आया है हमारे साथ होने का, जब भविष्य में समय आएगा तो हम आपको अवश्य बुला लेंगे अपने समक्ष। तो हनुमान जी ने प्रणाम करके तब शिव जी के साथ वो फिर अपने माता के पास अंजनी माता के पास चले गए, क्योंकि उनका उस टाइम में प्रभु हनुमान जी के पास शक्तियाँ तो थी लेकिन उस शक्तियों को सही दिशा में देने के लिए उनको ज्ञान चाहिए था, गुरु चाहिए था। उस टाइम में गुरु उनको मिला नहीं था, तब सूर्यदेव बाद में उनको गुरु मिले। तो रामचंद्र जी उनको बोले कि अभी जाइए आप, यानी वक्त आने पे आप, वक्त आने पे आपका काम जो है। एक आखिर में पंडित जी आपसे हम जान लेते हैं, कोई हनुमान जी की कोई चौपाई कोई मंत्र आपको याद आ रहा हो जो भक्तों को आप बताना चाहें कि भक्त उसका गुणगान करें? देखिए, हनुमान जी के मंत्र से पहले हम श्री रामचंद्र जी का मंत्र लेंगे। अच्छा, जी। क्योंकि अगर वो लेंगे तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे कि मेरे प्रभु हमें याद करने से पहले पंडित जी ने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद किया। जी जी पंडित जी, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा बात बताएंगे। जी जी बताइए कि ये हमारे इधर साई बाबा हैं। अच्छा, रामचंद्र जी की मूर्ति ये है, राम सीता जी लक्ष्मण। हाँ, रामचंद्र जी की हम स्थापना पहले यहाँ करने वाले थे। अच्छा, इस जगह पर
तो ये मूर्तियां यहाँ पे स्थापित ही नहीं हो पा रहा था, कोशिश कर करके थक जाते थे और वो क्या बोलते हैं उनका, जबकि स्थान उतना ही है, जगह जो है उतने में ही वहाँ है और अच्छा। यहाँ भी चाहते तो चबूतरा बना के इतने में ये आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जब डाल रहे थे तो मात्र यहाँ लक्ष्मण जी और सीता जी आ जा रही थी और रामचंद्र जी आ नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो बाद में हम लोग को अचानक ही दिमाग में आया कि हनुमान जी के पांव जो है वो ऊंचा है, अगर रामचंद्र जी यहाँ रहेंगे तो उनके पैर के नीचे आ जाएंगे, इसके वजह से वहाँ राम जी सेट नहीं हो पा रहे। तब जो जाकर के इधर हमने स्थापना हुई, तब यहाँ